ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बजून से फगुनिया खेत वाला रास्ता है, और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से तीन रास्ते कटते हैं जो हमें बीच वाले रास्ते से निकलना है। आगे जाके मैं आपको एक और रास्ता दिखाऊंगा जो एक राइट की तरफ जाता है और एक लेफ़्ट की तरफ जाता है। तो हमें रास्ता राइट ना जा कर के लेफ़्ट की तरफ जाना है जो ये निकल चुका है, और ये इस तरीके का आपको रोड मिलेगा। पूरा जंगल का रास्ता है और बहुत अच्छी यहाँ पे बर्ड्स भी साइटिंग अच्छी होती है, मैमल्स भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये रास्ता हमने जो वीडियो शूट किया है ये स्कूटी से किया है, और ये यहाँ का आरसीसी रास्ता है जो देखिए किस तरीके से हम नीचे उतरे हैं। और आगे मैं आपको जो यहाँ की होटल है हिमालयन बर्ड हिल व्यू करके है, तो ये आप होटल देख रहे हैं, ये यहाँ का नज़ारा है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये देखिए इस तरीके की होटल है। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये बरसात के दिनों का है, रास्ते में वाटरफॉल पड़ा था तो मैंने उसका ये वीडियो शूट किया है गाड़ी से, क्योंकि बरसात का मौसम था, खुले में नहीं कर सकते थे इसलिए ये वीडियो शूट किया है। बहुत गर्मियों में आएंगे तो कुछ अलग टाइप से मिलेगा। ये बरसात के दिनों का ही ये वीडियो शूट किया हुआ है, नीचे से क्लाउड्स इस तरीके से उठ के आते हैं ऊपर, बहुत अच्छा देखने को लगता है, जैसे समझिए कि स्वर्ग में आ गए हों। नैनीताल कुछ ही दूरी पर है यहाँ से, अगर वैसे अगर देखा जाए तो करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि 150 साल पुराना है लगभग, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। और यहाँ से ये कोटा बाग निकलता था, अभी तो कौन जा रहा है, नीचे पक्का रोड बन गया है तो इस चक्कर में लोग इस रास्ते को नहीं फॉलो करते हैं। हालांकि ट्रैक जाता है यहाँ से, कुछ लोग ट्रैक भी करते हैं कोटा बाग के लिए, तो वो लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। बर्ड्स बहुत अच्छा मिलता है, करीब 3-4 प्रकार का आउल भी इधर को देखने को मिलता है, कोकलास भी है, चीर भी है, कलीज भी है, तीनों फेजेंट मिलता है, मतलब फेजेंट का सेंचुरी है इधर को। जैसे हम पहले पंगोट में थे तो बोलते थे कि सेंचुरी मार के आ गया, तीनों फेजेंट मिलते थे तो बोलते थे सेंचुरी हो गया, तो वो तीनों फेजेंट इधर को।